गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट किए जाने वाले थे, बट क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अभी थोड़ा सा होल्ड किया गया है एग्ज़ामिनेशंस को, और आप लोगों को दोबारा रिवाइज्ड जो आप लोगों की डेट शीट है मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस बीच में हम लोग अब टर्म 1 का जो हमारा कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए इस चीज़ को लेके कि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट टाइम कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक वर्क से। हम लोग अपना बुक वर्क कंप्लीट कर लेंगे और बुक वर्क के साथ साथ हम लोग अपना नोटबुक में जो वर्क दिया हुआ है, नोटबुक में जो वर्क करना है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। टर्म 1 में आपको जो पिक्चर्स, नंबर ऑफ़ पिक्चर्स बनानी है वो 2 बनानी है, और इसके साथ साथ आपकी थ्योरी का पार्ट जो है ऑलरेडी हम लोग पहले करा चुके हैं, UT1 के कोर्स में ऑलरेडी वो करवाया जा चुका है, और वो जो आपको इसका ट्यूटोरियल है मेरे पहले वाले जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। मैं बहुत जल्दी उसको इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या आपके कोर्स में इस बार आने वाला है और क्या क्या चीज़ें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए, पेज नंबर 17 तक हम लोगों ने UT1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, वह कंप्लीट कर लिया था। हाँ, एक चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में रख लीजिए, समझ लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, कि जो भी चीज़ आप लोगों को बुक में दी हुई है और आपको नहीं समझ में आ पा रही है और आपको लगता है कि ये अभी आपसे नहीं हो पाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नंबर 15 पर ये वाटर कलर से एक फ्लावर पॉट बना हुआ है, और बहुत से बच्चों का ये कहना था कि सर ये हमसे नहीं हो पा रहा है या इसको कैसे करना है, तो इस केस में आप लोग इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो बुक में आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लोगों को खुद से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप लोगों को नहीं करना आ पा रहा है तो आप इसको लीव कर दीजिए अभी के लिए। ऐसे ही आगे के पेजेस में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके सामने आती है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जैसे वाटर कलर से ये अभी एक वेजिटेबल का एक फूड बास्केट बनी हुई है जिसमें वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, अगर इस केस में आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ इसको अभी लीव कर दीजिए। जो चीज़ें आप इजीली अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं कर सकते हैं, आप करिए, कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों के कोर्स में इस बार क्या क्या आने वाला है थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। कोर्स में आपके इस बार टर्म 1 के एक लैंडस्केप आएगा जो कि आप लोगों को ऑयल पेस्टल से बनाना रहेगा। वो ऑयल पेस्टल से लैंडस्केप आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, मैं वो आपको आपकी आने वाली क्लासेस में बनवा के और उसका एक ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा और आपको एक इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप लोग बना लेंगे। इसके अलावा एक शेडिंग पिक्चर आप लोगों के इस बार टर्म 1 में रहेगी जो कि अभी मैं आप लोगों को डिसाइड करके बता दूंगा कि कौन सी आप लोगों को बनानी है, क्योंकि काफ़ी सारी इमेजेस हैं यहाँ पे जो कि अच्छी हैं और आप लोग बना सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 2 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिनमें से आप एक डिक पिक्चर को बना सकते हैं। तो आज के लिए जो आपका वर्क रहेगा वो ये है कि पेज नंबर 19 आपको मैंने पहले दिया था कंप्लीट करने के लिए, तो लास्ट टाइम जब आपसे बात हो पाई थी तो आप लोगों को बताया था मैंने कि आपको इसे कंप्लीट करना है, बट आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो चुके थे तो काफ़ी लोगों के का कहना था कि वो अभी वर्क नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे अब कंप्लीट कर लीजिए, पेज नंबर 19 को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इसको कंप्लीट किया जाएगा, इसकी क्या अप्रोच है। सेकेंडली, जिन लोगों ने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है वो लोग पेज नंबर 23 पर ये आप देख सकते हैं ये ट्री दिया हुआ है इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं, आपको जेंटली स्ट्रोक्स देने हैं इस तरह से,
वन साइडेड स्ट्रोक्स देने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं इस समय जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ 6B। आप लोग भी इस तरह से कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी का मतलब ये कि जो कि डार्क पेंसिल हो, 4B, 5B, 6B आप यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें कुछ नहीं, वन साइडेड हैचिंग देनी है, मतलब एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देने हैं आप कह सकते हैं, या हैचिंग देनी है। आप पेज को थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। और कोशिश करें पेंसिल को जितना पीछे से पकड़ेंगे, जितना बैक साइड से आप लोग होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके स्ट्रोक्स यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा केयरफुल होके यहाँ पे आप स्ट्रोक्स दीजिएगा, क्योंकि बाहर निकलेगा तो आपको इरेज करना पड़ेगा, और वो इरेज जब आप करेंगे तो आपके जो ओवरऑल पिक्चर है उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा इसे बुक में, जो आपको ये पिक्चर प्रोवाइड की गई है। और इसके साथ साथ जैसे इसमें स्ट्रोक्स देने हैं बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप लोग ये जो नीचे कलरिंग वाला पार्ट है इसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में इसको आपको मैं गाइड करता हूँ। वैसे इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पेंसिल कलर से मिक्सिंग और कलर मिक्सिंग और कलर से किस तरह से डिफरेंट कलर से डार्क टू लाइट मेथड भी आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत आती है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कशन करते हैं। आप लोग अभी के लिए पेज नंबर 23 और पेज नंबर 25 का जो ये शेडिंग वाला पार्ट है ये आप कंप्लीट कर लीजिए, और आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, और फिर आप लोग को कलरिंग वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से कि कैसे आप लोगों को इस तरह के पार्ट में अप्रोच देनी है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।